नमस्कार मित्रों, ये हमारे पहाड़ों का हाल। अभी भी देखो इस डंडी कंडी के सारे दुख बीमार को हम हॉस्पिटल तक छोड़ने जा रहे हैं और ये काफ़ी हमें एक दुखद बात है कि देखो इतना दूर इतना पैदल का रास्ता और इस प्रकार से हम इन बीमारों को इस हालत में ले जा रहे हैं कि अपने शब्दों को हम बयां भी नहीं कर पा रहे। इतनी दुख की बात है कि हमें अब तक हमारी आवाज़ों को जो शासन प्रशासन है वो भी नहीं सुन पा रही है कि क्योंकि देखिए ये रास्ते का हाल और इतने चढ़ाई का और चट्टान का रास्ता होने के बावजूद भी गांव के युवा डंडी कंडी के सारे बीमार बुजुर्गों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं और अचानक दिन में तबीयत खराब होने के कारण अभी दिन ही में यहाँ हॉस्पिटल के लिए रवानिंग किया जा रहा है। ये देख सकते हैं पत्रकार करोला जी आए थे, उन्होंने यहाँ का भ्रमण किया, उन्होंने यहाँ की परिस्थितियाँ देखी। तो देखो ये मैं 60 साल का आदमी इस जोली से लगा पड़ा हूँ, देखो मेरी सांस पूरी फूल रही है कि यहाँ की समस्याओं को न कोई क्या देखता है न कोई सुनता है। इस तरीके से हम लोग कितना परेशान है। 4 कितने खतरनाक का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, दिमाग ने जान कुछ कर इस रोड को बना रखा है। आप देखिए इसकी हालत कितना, ये देखिए हालत, आगे इतना बड़ा झरना 200 मीटर से ऊपर गिरती है झरना, देखिए कितना भयंकर झरना है, यहाँ पे पत्थर भी गिरता है ऊपर से, मलवा भी है। देखिए इस हालत में देखिए आप लोग, ये वीडियो कोई गलत वीडियो नहीं आया, बिल्कुल हकीकत में दिया गया इसको।